सरस मेले में बिहार समेत विभिन्न राज्यों से पहुंचे उद्यमियों के उत्पादों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि संस्कृति, परंपरा, व्यंजन और लोककला के बढ़ावा को लेकर सरस मेले का आयोजन किया गया है, जो 15 से लेकर 29 दिसंबर तक चलेगा। मेले के ओपन एरिया में ऑन स्पॉट बन रही लाह की लहठी को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें कच्छ जिला से आई हुई दीदी के स्टॉल नंबर 38 पर गुजराती गरबा में इस्तेमाल किए जाने वाले चनिया चोली, बेल्ट, नेकलेस, बैंगल्स आदि के आइटम्स आपको मिल जाएंगे। बारे में बताइए जी। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है जी। तो ये जो लाह की चूड़ियाँ आप लोग बना रहे हैं, कितने साल से आप लोग यहाँ सरस मेले में आ रहे हैं? सरस मेले में तो हम फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, पहली बार है, तो कैसा चल रहा है, क्या रिस्पांस आ रहा है? अच्छा रिस्पांस है। अच्छा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से जी। और ये कितना, मतलब क्वालिटी, क्वान्टिटी, रेंज सब बताइए। अभी तो हम 6 का क्वान्टिटी 3 पीस बना रहे हैं। 3 पीस का 150 रुपये का रेट रखे हैं, 150 में बेचते हैं। 3 पीस ही बना रहे हैं, दूसरा नहीं बना रहे हैं। अदरवाइज मेरा स्टॉल है वहाँ पे, दूसरा डिजाइन और दूसरा रेंज का माल स्टॉल पे लगा हुआ है। क्या प्राइस है सबका? इसका तो 150 है मैम जी। वहाँ पे स्टॉल पे जा कर के देख लीजिए, और दूसरा प्राइस का आपको दिखलाना है तो एक ही डिजाइन बनाते हैं फिलहाल। इस बार एक ही डिजाइन बनाया है, अगर आगे साल से आने का मौका मिलेगा तो अदर डिजाइन भी बनाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चनिया चोली के स्टॉल पे, और आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या खास है। मैं चनिया चोली लेके आई हूँ, फिर रजाई लेके आई हूँ, दुपट्टा है मेरे पास, साड़ियाँ है, साड़ी का लेस है मेरे पास, अने बेडशीट भी है, छोटे वाली है, बड़े वाली भी है। अने मेरा नाम है अंकुबेन अमीर गरवा, मैं कच्छ भुज से आई हूँ, गुजरात से आई हूँ। अने हाँ आई, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, अने मैं दूसरी बार भी आऊँगी, मेरे को वहाँ से ऑर्डर भी मिला है, अने बहुत बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे मेरा माल भी बहुत बिक गया है, अच्छा अच्छा बिक गया है मेरे को। आप पहली बार आई है? मैं पहली बार आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बिहारी लोग पसंद आया? हाँ पसंद आया मेरे को, बिहार लोग बहुत अच्छा अच्छा लगा मेरे को, बहुत पसंद आया। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। यहाँ पे सोने के लिए हमको जगह मिली है, हमको टोल दिया है, खाने को मिलता है, सब मिलता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा चनिया चोली आप दिखा दीजिए, अच्छे अच्छे पीस। चनिया चोली है, सुबह हैंडवर्क में जाएगी सभी। इसका रेंज बता दीजिए। ये इसका रेंज है 4000। और थोड़े अच्छे अच्छे पीसेस आपके पास जो भी है आप दिखा दीजिए हमारे इधर। ये बेड चीज है, सिंगल बेड, पूरा खोल कर दिखा दीजिए। और बस चनिया चोली है या फिर और भी कुछ खास है गुजरात का, और भी कुछ स्पेशल चीज है यहाँ पे दिखा दीजिए वो भी। क्या है ये? ये गला का पैच है, मीरा वर्क में आएगा ये। अपना रेंज, इसका प्राइस? इसकी प्राइस जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेले में इतने सारे रौनक, इतने सारे बाजार जो लगे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे HT News।